हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंसल वर्सालिया सेक्टर 67 के अंदर जी ब्लॉक है। जी ब्लॉक में कुछ फ्लोर्स लेके आए हैं बिल्डर्स। ये देखिए, ये वाले जो फ्लोर्स हैं, ये इनका साइज़ है 270 गज का। और अभी मैं जो आपको विज़िट करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ इसके पार्क में से, जो कि ये जी ब्लॉक में 2 एकड़ का पार्क है पूरा। ये इसका पूरा पार्क है 2 एकड़ का जी ब्लॉक में। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है आराध्य होम्स के फ्लोर्स 300 गज वाले, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड है। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं और इनको लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं डिलीवर्ड हुए। और मेंटेनेंस आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है बिल्डर ने। और मैं अगर इधर की बात करूँ तो ये वाले जो फ्लोर्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी दिख रहे हैं आपको, ये भी फॉरेस्ट डेवलपर्स ने ही इनको मेंटेन करेंगे, वही बनाएंगे, वही डिलीवर करेंगे। और अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये हैं पितृ छाया बिल्ड वेल के, जो कि इनकी ही एक सिस्टर कंपनी है। तो इसमें ये 270 गज की जो लाइन है ये वाली, इसमें फ्लोर्स अवेलेबल हैं जिनका कि आपका 4 BHK की टाइपोलॉजी रहने वाली है, 4 BHK प्लस पूजा रूम, और ये हो जाते हैं आपके पार्क फेसिंग। तो लोकेशन अच्छी है सेक्टर 67 वाली। अगर मैं बात करूं, आपको बहुत बार बताया गया होगा कि पीछे एक तरफ से एक रोड जा रहा है, तो वो इधर से इसके पीछे उस साइड से रोड जाएगा। और जो ये इधर ये जो वो दिख रही है आपको, ये CBS की कंस्ट्रक्शन चल रही है, CBS डेवलपर जिसके की ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, ये उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो एक बार मैं आपको इसकी जो सैम्पल फ्लैट है उसकी विज़िट भी कराऊंगा, किस तरह की चीज़ आपको बिल्डर बना के दे रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं एक बार इसकी फ्लैट की विज़िट करने के लिए। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अब जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर, ये आपकी एंट्रेंस हो जाती है। अब एक बार चलते हैं फ्लोर के अंदर। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये हो जाता है आपका डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे हो जाता है आपका लिविंग एरिया, और ये हो जाता है आपका पूजा रूम। तो गाइज चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी किचन। तो ये है आपकी पूरी यू शेप में किचन, आप जो देख रहे हैं ये मॉड्यूलर किचन, चिमनी, हॉब और ये OTG, ये सब कुछ यहाँ पे बिल्डर आपको इंस्टॉल करा के दे रहा है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि किचन के एग्जैक्टली राइट में है। तो गाइज ये है इसका बेडरूम, आप देखिए इस तरह से बनाया हुआ है पूरा, जो TV कैबिनेट और वार्डरोब्स हैं ये इसकी बनाई हुई है। फॉल सीलिंग फैन, सीलिंग लाइट्स, ये आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। इस कॉर्नर में आपका एक वॉशरूम रहने वाला है। तो अब गाइज चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ, और ये हो जाता है इसका एग्जैक्टली जो आपका किचन है उसके लेफ्ट साइड में। तो ये है आपकी जो मैं बता रहा था आपको अनदर रूम, ये हो जाता है इसका वॉशरूम, वॉशरूम के साथ में आपकी वार्डरोब्स, जो कि आपको बिल्डर यहाँ पे बना के दे रहा है। जो वॉशरूम में आपके वो लोडेड मिलते हैं एज इट इज़ मिलेंगे, जो ग्लास पार्टीशन है वो भी यहाँ पे बिल्डर आपको करा के देगा। जो लाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पे बिल्डर करा के देता है। दूसरा आपको जो TV कैबिनेट, कर्टेंस, फॉल सीलिंग, ये आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। काफ़ी स्पेसियस है, वुडन फ्लोरिंग है ये आपका जो बेडरूम है, यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग भी मिलती है। एक स्पेसियस अच्छे जो बिल्डर फ्लोर है उनकी यही खासियत होती है कि बिल्डर उसमें सारी चीज़ें आपको बना के देता है, सो दैट आपको आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो आपको चीज़ें अच्छी मिलें। और ये एरिया देखिए, ये आपका लिविंग एरिया हो जाता है। तो अब चलते हैं इसके तीसरे जो बेडरूम है उसमें, ये हो जाता है इसका थर्ड बेडरूम। ये देखिए कितना अच्छा काम किया हुआ है बिल्डर ने यहाँ पर, ये सब कुछ यहाँ पर बिल्डर करा के दे रहे हैं। ये नहीं कि ये कोई वैसे बनाया हुआ है कि सैम्पल फ्लैट जस्ट दिखाने के लिए, जो आपको चीज़ें दिख रही हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे रहने वाली हैं। ये आपका वार्डरोब इधर हो जाता है, और अब मैं आपको इसका एक बार वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वॉशरूम का साइज़ है, बहुत ही डिसेंट साइज़ बनाया हुआ है, अच्छा साइज़ है। अब मैं आपको एक बार इसका चौथा जो बेडरूम है वो भी दिखा देता हूँ। ये हो जाता है इसका फोर्थ बेडरूम। तो यहाँ पे भी आपको ये TV कैबिनेट बना के यहाँ पे बिल्डर देता है। जितनी आप ये लाइटिंग और ये कुछ देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। 4 बेडरूम है, चारों में आपको वार्डरोब, चारों में वॉशरूम,
चारों में आपको सारी चीज़ें आपको अटैच वॉशरूम के साथ जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको एज इट इज़ रहने वाली हैं। तो गाइज अच्छी लोकेशन है, एक बहुत ही अच्छा बिल्डर फ्लोर है, अच्छी कंस्ट्रक्शन है। अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी बिल्डर फ्लोर्स की, जो कि अंसल वर्सालिया सेक्टर 67A में है। आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, लेआउट है। तो गाइज़ थैंक यू।